सो हेलो आइस, मैं हूँ नीरज और अभी हम लोग जा रहे हैं मोंगरा डैम और शॉर्टकट के चक्कर में। देखो यार, कौन से रास्ते पे हम लोग आ गए हैं और ये वाला रास्ता जो है वो सीधा आप लोगों को जो है मोंगरा लेकर जाएगा। तो अभी आप सभी को मोंगरा डैम जाकर दिखाता हूँ कैसा है और फिलहाल अभी थोड़ा रास्ते का मजा लीजिए। अरे मेरे साथ दो लड़के लोग और हैं, दो गाड़ी और है अपने साथ, लेकिन रास्ता पूरा देखो यार कीचड़ वाला हो रखा है, जंगल जा रहे हैं तो और बाकी लड़के लोग सामने से चले गए हैं, हम लोग ही पीछे हैं सबसे। ओहो भाई भारी, यहाँ इस तरफ से आप लोग आते हैं तो इस रास्ते से बिल्कुल भी मत आइएगा यार, रास्ता काफ़ी ज़्यादा बेकार है। शॉर्टकट तो है लेकिन भाई डबल गाड़ी अगर आ जाता है सामने तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस रोड में। और अभी बारिश का मौसम है तो और भी ज़्यादा जो है अभी कीचड़ है, लेकिन फिलहाल अभी धूप है तो हमारी गाड़ी चल जा रही है। फिलहाल देखते हैं अभी और कितना दूर जाना पड़ेगा डैम के लिए, इतना बेकार रास्ता। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं किनारे में, आप लोग देख सकते हो पिकनिक वगैरह मना रहे हैं इधर गाड़ी वाले, ठीक है। और ये अच्छा जगह है वैसे तो, इधर साइड अगर मोंगरा आते हो तो इस साइड आप लोग आ सकते हो खाना वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और हम लोग भी बस बैराज के पास पहुँचने ही वाले हैं। तो ये है गाइस मोंगरा डैम और अभी सीधा ये रास्ता जा रहा है गेट के पास और चलते हैं अभी गेट के पास, फिर दिखाता हूँ पूरा नज़ारा यहाँ का क्या है सीन और फिर बात करेंगे उसके बाद जाके। अभी यहाँ से पूरा पार्किंग जो है वो स्टार्ट हो गया है गाड़ी का, देख सकते हो आप लोग अभी, और हम लोग अभी सामने में रखेंगे गाड़ी को फिर चलेंगे वहाँ से, फिर पैदल चल के जाएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेट के अंदर और अभी चलते हैं उधर, और आगे है गेट। फिलहाल वैसे आज है 15 अगस्त तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा है इधर, और इधर है मेरे सारे दोस्त लोग और ये भी मेरे दोस्त हैं मेरे साथ आए हुए हैं। बाकी चलते जाते हैं अभी गेट तरफ, अभी एक आध गेट खुला होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ। इस तरफ से दिख रहा है पूरा गेट और इधर और गार्डन साइड बना हुआ है, लेकिन वैसे उतना खास है नहीं माहौल। और उधर है कचालगढ़ का पहाड़ जो कि फिर कभी चलेंगे वहाँ, लेकिन अभी फिलहाल यहीं घूमते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र जल स्तर से दूरी है और इधर है पूरा पानी भरा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो यार पानी, वैसे अभी अच्छा खासा है बारिश का मौसम है तो देख सकते हो, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रखा है फिलहाल। वैसे यहाँ पर गार्डन वगैरह भी और अच्छे से बनाना चाहिए और बोटिंग भी होना चाहिए, जैसे अपन वहाँ के में होते हैं ना गंगरेल डैम में, वैसे ही होना चाहिए, बट यहाँ कुछ वो है नहीं, इतना पब्लिक के हिसाब से इतना तो रहना ही चाहिए यहाँ पर। हर इस साइड से खुलता है गेट, फिलहाल पता नहीं एक दो गेट खुला होगा क्योंकि अभी पानी इधर से जा रहा है, तो अभी नीचे जा के दिखाता हूँ। और यहाँ पर लड़कियाँ लोग देख सकते हो रील बना रही हैं और इस तरह से उतरने के लिए भी रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी कहीं से भी उतर जाते हैं नीचे। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है नीचे तरफ से, तो अभी थोड़ा फोटो वगैरह शूट करते हैं उसके बाद बाकी आगे का वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा तोला कैसे लगा जी बैराज आज तक? अच्छा ओ देवधन पिक्चर शूटिंग चालू हो गई है डूड मन के, बेचारा कर मोबाइल नहीं है कहीं नहीं है। हाँ होगा बड़े बड़े फिल्म बनी है देखे। अच्छा तो इतनी अभी सीढ़िया ऊपर चलते हैं सड़क में और ऊपर से फिर चलते हैं व्यू पॉइंट पानी की तरफ। ये पानी है और इधर पूरा गेट भरा हुआ, बाकी इधर थोड़ा गार्डन जैसे बना हुआ है बट उतना खास भी नहीं है, सब टूट फूट गया है अभी, ये थोड़ा टूट फूट गए थे के बारे में क्या बोलना चाहता जी डूड, थोड़ा से दो शब्द सरकार बहुत एक भी ध्यान देना चाहिए, सब फालतू चीज़ है, पैसा व्यर्थ करके मिस्टेक कर देते। हाँ
और इस साइड से भी आप लोग देख सकते हैं पूरा गेट का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है इस साइड। और यहाँ कार वाले के आ गए हैं लास्ट में पॉइंट तक, और सभी मतलब जितने भी आए हैं सब अपना अपना पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर अंदर में जाके। यहाँ पर आपको गेट के बाहर में ही आई थिंक स्टार्टिंग में जो है खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर गुपचुप चाट और आइसक्रीम वगैरह दिख जाएगा। इसकी दुकानें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और अभी धीरे धीरे जो है भीड़ और बढ़ते जा रहा है क्योंकि अभी समय है 4 और 5 बजने का, तो इस टाइम यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहता हुआ है। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो पानी से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और सावधानी से यहाँ पर घूमें फिरें। तो फिलहाल दोस्तों अभी मौसम ख़राब है तो हम लोग निकल रहे हैं अभी घर, और इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।